राहुल गांधी ने कल अपने 50 मिनट के भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से हुए संवाद और उनके उठाए गए सवालों से की। आज प्रधानमंत्री ने अपने 88 मिनट के भाषण के आखिरी 12 मिनट में इस बात पर जोर दिया कि उनके पास सरकार की दर्जनों योजनाओं से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों का भरोसा है। राहुल गांधी ने कल 8 सवाल पूछे थे। आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस को नसीहत दी है। अडानी विवाद तो ताजा है, इससे पहले पेगासस, राफेल, हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल, हर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर सवाल, बड़े फैसलों पर अदालतों पर सवाल, एक देश एक टैक्स के फैसले के बाद जीएसटी पर सवाल, नोटबंदी से लेकर 2002 की गुजरात हिंसा तक विपक्ष की तरफ से आरोपों के कटघरे हर दौर में नरेंद्र मोदी के लिए खड़े किए गए। जवाब में एक बार फिर अब नरेंद्र मोदी कहते हैं, आरोपों की जगह कामकाज की आलोचना विरोधी करते तो देश का फायदा होता। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो, लेकिन 9 साल आलोचना नहीं, आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप गाली गलौज कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया, गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ ईवीएम खराब दे दो गाली, चुनाव हार जाओ चुनाव आयोग को गाली दे दो, क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो, अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो। आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। जादू और रिश्ता क्या कहलाता है जैसे तंज कसते हुए मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया। बुधवार को विपक्ष की मोदी विरोध में हुई एकता को लेकर कटाक्ष प्रधानमंत्री ने किया। पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे, मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है, जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए। सदन से बाद में बाहर आए राहुल गांधी ने कहा, असली मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोले नहीं। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।
88 मिनट के भाषण के आखिर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निराशा की जगह आशावादी चाल चरित्र और चेहरे की सियासत करने वाली नसीहत दी। 3 दिन के हंगामे के बाद अब 2 दिन की हाई वोल्टेज चर्चा खत्म हुई, लेकिन क्या अडानी विवाद का अंत भी हुआ है? एक संकल्प लेकर